बाबुरगला पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चरित्र के संदेह में पत्नी की नाक काटने वाले तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार। खरिया थाना तहसील के बाबुरगला थाना अंतर्गत गता झलकोई के डोंगा में घरेलू झगड़े में पति के द्वारा पत्नी की नाक काटने के मामले में आरोपी पति राम प्रवेश वंशकार के साथ सहयोगी माता पिता को गिरफ्तार कर लिया है। पत्नी के चरित्र के संदेह में आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया था। घटना के तत्काल बाद थाना प्रभारी बाबुरगला नीरज राणा के द्वारा एक विशेष टीम के द्वारा आरोपी की तलाश शुरू की, जिसे पुलिस ने दो दिन में गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी नीरज राणा ने बताया कि आरोपित राम प्रवेश वंशकार उसके माता पिता को प्रेम नदी के पास से पकड़ा गया। वारदात के बाद आरोपित भाग निकला था, तभी पुलिस की एक विशेष टीम ने दबिश देकर आरोपी को पकड़ा। आरोपी राम प्रवेश वंशकार ने सोमवार दोपहर में बाबुरगला थाना अंतर्गत गता झलकोई के डोंगा में अपनी पत्नी पूजा वंशकार की नाक दांत से ब्लड से काट दी थी। पत्नी के चरित्र से नाराज पति ने वारदात को अंजाम दिया। ये संपूर्ण मामले में थाना प्रभारी नीरज राणा, सहायक उप निरीक्षक प्रताप सिंह गुर्जर, प्रधान आरक्षक गजेंद्र सोलंकी, आरक्षक शकील, आरक्षक मोहित शर्मा, आरक्षक राधे जादौन, सहायक उप निरीक्षक रंगलाल नहर, आरक्षक शंकर भवन की भूमिका रही। राम प्रवेश ने अपनी पत्नी का ब्लेड से नाक काट दिया था, जिससे उसका चेहरा कुरूपित हो गया। इसलिए उसने इस कृत्य में अपने माँ और उसके पिता का भी सहयोग रहा है। उन्होंने पकड़ना बताया कि उसने पकड़ा और पत्नी ने नाक काट ब्लेड से। ये 324, 294, 506, 326, 398 का इनके तहत मामला कर दिया।